हूं सुनिधि, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं आज ई बुलेटिन की खास खबरें। भाई की गिरफ्तारी के बाद सुहाना खान का पहला पोस्ट, शेयर की शाहरुख गौरी की मोनोक्रोम तस्वीर। आज 8 अक्टूबर को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का जन्मदिन है। इस खास मौके पर सुहाना खान ने इंस्टाग्राम पर माँ को जन्मदिन की बधाई दी है। ऐसा करते हुए सुहाना ने अपने पेरेंट्स की थ्रूबैक फोटो शेयर की है। मोनोक्रोम फोटो में शाहरुख खान और गौरी खान नजर आ रहे हैं। दोनों की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है। कैप्शन में सुहाना खान ने लिखा, हैप्पी बर्थडे माँ। इस पोस्ट के साथ सुहाना खान ने हार्ट इमोजी भी बनाया है। सुहाना खान की इस पोस्ट पर सेलेब्स ने कमेंट भी किए हैं। माहिर कपूर, अनन्या पांडे, सनाया कपूर ने हार्ट इमोजी शेयर किए हैं। फराह खान ने गौरी खान को किया बर्थडे विश, लिखा, गौरी जल्दी तुम्हें बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मिले। आज आर्यन खान की माँ गौरी खान का जन्मदिन है। ऐसे में फराह खान ने उन्हें इंस्टाग्राम पर जन्मदिन की बधाई देते हुए आर्यन के लिए दुआ की है। फराह ने शाहरुख खान और गौरी खान की तस्वीर शेयर करते हुए मैसेज लिखा है। फराह ने लिखा, एक माँ की ताकत जितनी ताकत किसी में नहीं है। माता पिता की प्रार्थना पहाड़ों को भी हिला सकती है, समंदर को भी अलग कर सकती है। सबसे ताकतवर माँ और इंसान को हैप्पी बर्थडे, जिसे मैंने पिछले कुछ हफ्ते में देखा है। गौरी खान, मैं तुम्हें आज बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मिलने की दुआ करती हूँ। बता दें, आज आर्यन खान की जमानत का फैसला होना है। फैंस का सवाल, क्या माही दिखेंगे सिल्वर स्क्रीन पर? इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन वो आज भी सबके चहेते हैं। धोनी के फैंस उन्हें फिल्मों में भी देखने को बेताब हैं। एक रिपोर्ट की माने तो फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी का बॉलीवुड में डेब्यू करने का कोई प्लान नहीं है। धोनी के मुताबिक एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है। धोनी इस पर बात करते हुए कहते हैं, आप जानते हो बॉलीवुड में काम करना मेरे बस की बात नहीं, और जहां तक एड्स की बात है मैं उन्हें करके काफी खुश हूं। जब भी फिल्मों की बात आती है तो मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन पेशा है और मुझे इसे संभालना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि फिल्मी सितारे ही इसे करें, वे इसमें बेस्ट हैं। मैं हमेशा क्रिकेट से जुड़ा रहूंगा, मैं सिर्फ एड्स कर लेता हूँ, उतना ही काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तलाक के ऐलान के बाद समंथा का पहला पोस्ट। साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु इन दिनों पति नागा चैतन्य से अलग होने को लेकर चर्चा में है। उनके अलगाव के कयास काफी टाइम से लगाए जा रहे थे। नागार्जुन के जन्मदिन में सामंथा के शामिल न होने पर इन कयासों को और हवा मिली थी। 2 अक्टूबर को सामंथा और चैतन्य ने अपने तलाक की घोषणा कर दी। तलाक के ऐलान के बाद सामंथा का ये पहला इंस्टाग्राम पोस्ट है। बालों में गुलाबी और सफेद फूल लगाए सामंथा का अंदाज देखने लायक है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, पुराने प्रेम के गीत, पहाड़ों और चट्टानों पर सर्दियों की हवा की आवाज, खोई और मिली छवियों के गीत, घाटी में उदासी की गूंज और पुराने प्रेमियों के गीत, पुराने बंगलों, सीढ़ियों और गलियों में हवा की आवाज, क्रवार सस्टेनेबल फैशन डे, 8 अक्टूबर की शाम 7 बजे FDCI लैक्मे फैशन वीक को देखें। शिल्पा शेट्टी ने ग्लैमरस आउटफिट में शेयर की खूबसूरत फोटो, फैंस हुए दीवाने। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए देखा जाता है, जिसे कि उनके चाहने वाले भी खूब पसंद करते हैं। शिल्पा शेट्टी अपनी हर तस्वीर के साथ कोई ना कोई मैसेज भी जरूर देती हैं। इसी क्रम में शिल्पा शेट्टी ने अपनी एक और फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दी है, जिसमें वे बहुत ही ग्लैमरस दिख रही हैं। तस्वीर शेयर करते हुए शिल्पा शेट्टी ने लिखा है, हर साड़ी एक कहानी कहती है, लेकिन यह किसी कविता की तरह लगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिल्पा इस आउटफिट में किसी हुस्न परी से कम नहीं लग रही हैं। कुछ फैंस तो उन्हें सफेद परी बुला रहे हैं, वहीं कुछ उन्हें स्वर्ग से उतरी अप्सरा भी बोल रहे हैं। इस वीडियो में यहीं तक, दूसरे वीडियो में मिलेंगे अन्य अपडेट्स के साथ। नमस्कार।